अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। काबुल में इन दिनों हालात गंभीर बने हुए हैं। लोग डर के मारे अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। देश भर के लोग चिंता में हैं और अपने रिएक्शन दे रहे हैं। काबुल में सत्ता तालिबान के हाथ में पहुंचने के बाद से वहां की दिल दहलाने वाले वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ नजर आई, जो बस अपनी जान लेकर वहां से निकलने के लिए पागल नजर आ रहे हैं। वहां लोगों की मदद के लिए पहुंची अमेरिकी एयरफोर्स प्लेन के कुछ वीडियोस परेशान करने वाले हैं। कुछ वीडियोस में लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जैसे तैसे प्लेन के बाहर लटक कर वहां से भाग निकलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं एक ऐसा शॉकिंग वीडियो सामने आया जिसमें लोग उड़ते प्लेन से नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। अर्शी खान ने अफगानिस्तान के इस हालात के बाद मीडिया से बात की है। इस बातचीत में अर्शी खान ने अपनी परेशानी जाहिर की है। अर्शी ने कहा है कि मैं अफगानिस्तान में जन्मी और फिर फैमिली के साथ इंडिया आ गई। मैं वहां की महिलाओं को लेकर चिंतित हूं, जहां अब तालिबान का शासन है। अर्शी ने कहा कि मैं एक अफगानी पठान हूं और ये चीजें मुझे काफी डराती हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे वहां की महिला नागरिकों की चिंता है। मैं वहां जन्मी हूं और यदि मैं उनमें से होती, बस इस डर से ही चीख निकल जाती है। मैं काफी दुखी हूं और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। मेरे परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर वाले उन लोगों की मदद करें। अर्शी ने बताया कि वहां उनके कुछ रिश्तेदार और फ्रेंड्स अब भी हैं। अर्शी ने इस दौरान कहा कि बस अब किसी जादू का ही इंतजार है। बता दें कि अर्शी खान को बिग बॉस से पहचान मिली है। शो में अर्शी को काफी पसंद किया गया था। पिछले साल बिग बॉस 14 में भी अर्शी चैलेंजर बनकर शो में नजर आई थी। अर्शी कई वीडियो सॉन्ग भी कर चुकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का खौफ बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। तालिबान शासन में सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं को है और इसीलिए वे सबसे ज्यादा डरी हुई हैं। बताया जाता है कि तालिबानी घर घर जाकर 12 साल की लड़कियों को अगवा कर उन्हें सेक्स गुलाम बना रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि देश के अलग अलग शहरों से महिलाओं और लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। बिना बुरके में महिलाओं को देख तालिबानी लड़ाके उन्हें गोली मार रहे हैं। कई इलाकों में पुरुष साथी के बिना महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है।